धार जिला डही जनपद क्षेत्र आईटीडीपी योजना अंतर्गत हितग्राही को दी जाने वाली डीजल और विद्युत पंप सामग्री वितरण में घोटाला की निष्पक्ष जांच के संबंध में समिति बनाने के लिए राज्यपाल महोदय को प्रेषित पत्र और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। गरीब आदिवासी समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक आईडीपी योजना में भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाए। आईटीआई विशेषज्ञ सेल टैक्स ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी निर्वाचित जनपद सदस्य की मांग की आईडीपी योजना के अंतर्गत कस्टमर ग्राम के पात्र हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि केंद्र सरकार द्वारा डीपीटी के माध्यम से 30,000 राशि सामग्री क्रय करने हेतु दी जानी है, जिसमें किसानों ने अपनी सुरक्षा अनुसार उत्तम गुणवत्ता की सामग्री मोल भाव करके क्रय कर सकता है, लेकिन हितग्राही को जबरन गुणवत्ताहीन सामग्री सीओ जनपद डही द्वारा दबाव बनाकर नकली मोटर पाइप स्टार्टर संबंधी व्यक्तियों की फर्म से खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है और हितग्राही की मर्जी के खिलाफ प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा विड्रॉल पर अंगूठा लगवाया जा रहा है। यदि हितग्राही द्वारा दूसरी मोटर पाइप स्टार्टर खरीदता है और बैंक में बिल लगाता है तो सीओ जनपद द्वारा हितग्राही को बैंक खाता होल्ड करवा दिया जाता है, जिसके कारण वह हितग्राही अपने अन्य जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। इसके अलावा यदि सीओ द्वारा बताए और हमसे जो हितग्राही मोटर पाइप स्टार्टर नहीं खरीदता है तो ऐसे समस्त खातों को होल्ड किया हुआ है, जिसके कारण जबरन गरीब किसान को नकली मोटर पाइप स्टार्टर लेना पड़ रहा है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते भाजपा के जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल, वीरेंद्र सिंह बघेल, संजय बघेल पटेल, सरदार सिंह मेड़ा, दरियाव सिंह जमरा, कमल यादव और ग्रामीण लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर श्रीकांत बनोट को ज्ञापन सौंपा है। डही ब्लॉक के जनपद क्षेत्र का मामला है और 8/12/2018 को माननीय शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी केंद्र से यह पैसा डाला था कि कपिल धारा योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये हितग्राही को मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि कांग्रेस शासन आते ही हनी बघेल के लोगों ने, मंत्री के लोगों ने ये मोटर सप्लाई की है और घटिया किस्म की सप्लाई की है, ताकि हम लोग आने वाले समय में हनी बघेल जिस तरह से अमेरिका गए हुए, निश्चित रूप से मैं उन पर आरोप लगाता हूँ कि ये मोटर के पैसे वालों से 10,000 रुपये लेकर अमेरिका घूमने गए हैं। मतलब किसानों के खाते में पैसा तो गया पर ठेकेदारों द्वारा निकाल दिया और उसमें भी इन्होंने क्या करा है, बैंकों के माध्यम से ना निकालते हुए ज़्यादातर भुगतान सीओ सेंटरों से निकाला। सीओ सेंटरों में भुगतान की एक लिमिट होती है, लेकिन 30,000 रुपये तक का भुगतान वहाँ से निकल गया अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली मदद से। आप लोग ने अभी नारे लगाए हनी बघेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ, तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ही करवाया? देखिए, ये योजना जब लागू हुई है सरकार इनकी है, विधायक इनका है, मंत्री इनका है, उसके नॉलेज में होने के बावजूद भी जिन किसानों ने इस मामले में पहले आवेदन दिया उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हनी बघेल जिनको भारी मौतों से वहाँ जिताने के बावजूद आज आदिवासी किसान के साथ नई योजनाओं के लाभ के लिए दौड़ रहा है, ये आपके सामने है। आज किसान भटक रहा है, उनको जानकारी है, फिर भी वो उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि सब उनसे कनेक्टेड लोग जो है जो इस काम में विलिप्त हैं, जो इस काम को श्रेय दे रहे हैं, मतलब वहाँ के विधायक और जो मंत्री हैं, वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं, मतलब जानने के बाद भी अनजान। इतने दिनों के अंदर जब एक महीने से आंदोलन चल रहा था, इनको कार्रवाई करना था और सरकार इनकी है, इनको ध्यान देना चाहिए था कि गरीब आदिवासियों का पैसा उनकी हित का है, उनको खुद क्रय करना चाहिए। वहाँ पर कई हितग्राहियों ने, जो हमने जब उनकी कार्रवाई करी तो कई हितग्राहियों ने स्वयं अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट की मोटर खरीदी है वहाँ पर भी, लेकिन इनके साथ जब धोखा हो गया तब इन्होंने हमें अवगत कराया कि साहब हमको सब ठग लिया, इसलिए हम लोग इनके लिए यहाँ लड़ने के लिए। इन मोटरों में क्या समस्या आ रही है? इन मोटरों की समस्या ये आ रही है कि आप इसकी क्वालिटी बैटरी देख लें, ये न पानी फेंकती है न चलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।